वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मूंग दाल की रेसिपी बनाना बताऊंगी। इसे मूंग दाल रसगुल्ला भी कहते हैं। इसे हम बहुत कम इंग्रेडिएंट और बहुत कम टाइम में बनाना बताएंगे। इस सॉफ्ट रसगुल्ले को बनाने के लिए मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मंगोची बनाने के लिए मैंने लिया है मूंग दाल। इस कप से हाफ कप है मूंग दाल और इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगा दिया था। फिर इसका सारा पानी निकाल के इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। बहुत फाइन पेस्ट पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसे हल्का सा दरदरा ही रखेंगे। और इतनी मूंग दाल में आपका 20 से 22 पकौड़ा बनके तैयार हो जाएगा। और चाशनी बनाने के लिए मैंने इस कप से 2 कप चीनी लिया है और 1 कप पानी है। और केवड़ा वाटर में मैंने कुछ धागे केसर के ले लिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। चलिए सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए एक पॉट ले लिया है, इसमें हम चीनी पहले डाल देंगे, फिर जो पानी था 1 कप वो पानी भी इसमें डाल लेंगे और गैस को ऑन कर लेते हैं। और इसे फुल फ्लेम पर ही, जब तक चीनी घुलता नहीं है तब तक इसे हम पका लेते हैं। तरह घुल गया है, आप देख सकते हैं इसमें साइड साइड में थोड़ी थोड़ी गंदगी दिख रही है, तो चलिए इसे हम साफ कर लेते हैं। इसके लिए 1 स्पून आप इसमें दूध डाल लीजिएगा। दूध डालने से ना चीनी दूध को बिल्कुल फाड़ देता है और इसकी सारी गंदगी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए इसकी सारी गंदगी ऊपर आने लगी है। अब इसे हम धीरे धीरे किसी कच्छी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। चाशनी बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें केवड़ा वाटर भी हम ऐड कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको चलाने के साथ फ्लेम बंद करके इसे ढककर ठंडा होने के लिए हम रख लेंगे। अब चलते हैं पकौड़े की तरफ। सबसे पहले दाल को हम बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसको जितनी अच्छी तरह से बीट करेंगे रसगुल्ला उतना ही सॉफ्ट बनेगा। और ज़रूरी बात यह है कि इसमें मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। इसे एक ही डायरेक्शन में आप बीट करेंगे। जैसे आपने इधर से स्टार्ट किया तो आप इसको इधर से ही बीट करेंगे। 5 मिनट तक इसे मैंने बीट कर लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से बीट हो गया है, बिल्कुल हल्का हो गया है और इसका टेक्सचर भी देखिए बिल्कुल क्रीमी सा गया है। अब मैं इसका पकौड़ा बना लेती हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और अब हम इसमें पकौड़ा फ्राई करना शुरू करते हैं। इसे छोटे छोटे साइज का आप पकौड़ा डालिएगा। ये चाशनी सोक करने के बाद ये काफ़ी फूल जाएगा। इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, इतना काफ़ी है। आप किसी चीज से या कच्ची से चलाएंगे नहीं, इसे बस आप हल्का हल्का से घुमा देंगे ना, फिर इसे हम लाइट गोल्डन कलर का बना लेंगे। ये बिल्कुल अब फ्राई हो गया है, इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर का आ गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल करके चाशनी में डाल दूंगी। इसे आप चाशनी में बस डालते ही जाए और साथ साथ इसे आप डिप करते जाए। इससे ये पकौड़ा चाशनी पूरी तरह सोक कर लेगा और बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। जब तक ये डिप होता है मैं सेकंड ट्रिप बना लूँगी। सारे पकौड़े को मैंने पलट लिया है और फ्लेम को भी मैंने थोड़ा मीडियम में कर लिया है, तो आप भी इसको मीडियम में कर लेंगे। पकौड़ा मैंने इसमें फ्राई करके डाल दिया है और इसे आप इसी तरह अच्छे से डिप करते और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसे इसी तरह बाहर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। नीचे मूंग दाल रसगुल्ला बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, इसके अंदर तक बिल्कुल आपका शीरा चला गया है। तो आप इसे बिल्कुल इसे ट्राई कीजिए और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसके साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कीजिए तो आपको एक बेल आइकन दिखेगा,
उसे भी प्रेस कीजिएगा तो आपको मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।